और आज बहुत ही शुभ दिवस है। आज है श्रीवास ठाकुर या श्रीवास पंडित जी का आविर्भाव दिवस। तो इस रूप में कुछ लोग नए भी हैं, तो मैं खाली जानना चाहता हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने श्रीवास ठाकुर या श्रीवास पंडित का नाम नहीं सुना है। ओके, हाँ नहीं सुना है तो हाथ उठाइए, कोई बात नहीं, हम उसको फिर मेरे को समझ में आएगा कितना डिटेल में डिस्कस करना है उसको। ओह तो बहुत है, मतलब 30-40% ओके। तो हम थोड़ा इनके बारे में चर्चा करेंगे और इस श्लोक को हम फिर और आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि पहले अगर हम श्लोक डिस्कस करेंगे फिर श्रीवास ठाकुर जी पे आएंगे तो बहुत समय बीत जाएगा और हमारे पास उतना समय नहीं है, तो हम डायरेक्टली मैं सोचता हूँ कि हम उसी के ऊपर हम पहले चर्चा करते हैं और फिर इस श्लोक को हम लेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, 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 जय श्री अद्वैत जय गौर भक्त वृंदा, जय श्री अद्वैत जय गौर भक्त वृंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त जय जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र, जय जय नित्यानंद जय 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 नित्यानंद जय द्वैत चंद्र, जय जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र, जय श्रीवासादि जय गौर भक्त वृंद, जय श्रीवासादि जय गौर भक्त वृंद, जय श्रीवासादि जय गौर भक्त वृंद, जय श्रीवासादि जय गौर भक्त वृंद। तो चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी सभी भक्तों के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए, और वो हर बार चैतन्य चरितामृत गाते हैं। और एक बार प्रभुपाद ने भक्तों से प्रश्न किया और कहा कि सबसे उत्तम बंगाली मिठाई कौन सी है, और फिर प्रभुपाद ने जवाब दिया चैतन्य चरितामृत, वो सबसे अच्छी बंगाली मिठाई है। तो एनीवे चैतन्य चरितामृत में बहुत, तो हम ये जो श्लोक रोज पढ़ते हैं ऑलमोस्ट और हमेशा जप करने के पहले भी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, ये श्रीवास जो है आप ये फोटो में भी देख सकते हैं, ये पंच तत्व हमारे जो पांच भगवान है इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर और श्रीवास, ये पाँच है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, हमने उसके बारे में बहुत पहले भी डिस्कस किया, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, भगवान श्री कृष्ण खुद राधा का भाव लेके श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। श्री राधार भावे वे गोरा अवतार, हरे कृष्णा नाम गौर कोरिला प्रचार, वासुदेव घोष बोले कोरी जोड़ हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ। तो कहते हैं कि वही भगवान जगन्नाथ, वही कृष्ण है जो श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में आए हैं। और जस्ट क्विकली एक दो मिनट में आपको खाली बताता हूँ कि क्यों भगवान श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में आए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त इतने प्रेम के अंदर आप्लावित थे कि भगवान खुद भी चाहते थे कि उस प्रेम को वो खुद आस्वादन करे, लेकिन वो खुद आस्वादन नहीं कर पा रहे थे। जैसे संत तुकाराम महाराज ये तीन एग्जाम्पल देते हैं कि कमल जो होता है उसमें रस होता है, लेकिन कमल उस रस का आस्वादन नहीं कर सकता, उस रस का आस्वादन कौन करता है, भौरा करता है, मधुमक्खी करती है। समुद्र के अंदर शिप में मोती होता है लेकिन वो समुद्र के कोई काम में नहीं आता, लेकिन उस मोती को कोई और धारण करता है, जो माला माल व्यक्ति है वो उस मोती को धारण करता है। और जैसे गाय है तो गाय के अंदर बहुत पौष्टिक दूध है, लेकिन उस दूध का स्वादन गाय खुद नहीं कर सकती, बछड़ा करता है। तो उसी प्रकार भगवान है, तो भगवान ये सब चीज़ों का स्वादन खुद नहीं कर सकते। या फिर एक और एग्जांपल मैं बार बार देता हूँ कि जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है, लेकिन रसगुल्ला खुद अपना आस्वादन नहीं कर सकता, उसके आस्वादन कौन करती है, जीभा, जीभ करती है। तो उसी प्रकार से भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों को इतना आनंद आ रहा है राधा रानी को, क्योंकि भक्त भगवान को देखकर आनंदित होते हैं और भगवान भक्तों को देखकर आनंदित होते हैं, और ये आदान प्रदान चलते रहता है। तो भगवान ने सोचा
कि ये आस्वादन मुझे करना पड़ेगा। तो उन्होंने राधा रानी से पूछा, तो राधा ने कहा कि ऐसे आपको नहीं मिलेगा, जब तक आप राधा का भाव लेके नहीं आओगे आपको ये आस्वादन नहीं मिलेगा। तो सर चैतन्य महाप्रभु के अपीयरेंस के बहुत सारे रीज़न है, तो उसमें से एक इंटरनल रीज़न ये भी है और बहुत सारे एक्सटर्नल रीज़न भी है कि जैसे अद्वैत आचार्य ने बहुत हुंकार लगाई और बहुत पुकार पुकार के चैतन्य महाप्रभु को लाया, उसमें श्रीवास ठाकुर भी एक थे, वो दोनों की जुगलबंदी थी, दोनों भगवान को पुकार पुकार के और इस धरती पे उन्होंने बुलाया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए और अपने भक्ति का आस्वादन करने के लिए आए और अपनी भक्ति को बांटने के लिए भी आए। आपन सिखाइला कृष्ण, तो बोले कि पहले अपने आप को उन्होंने आस्वादन किया और फिर सिखाइला भक्त गणे, महाप्रभु दाता शिरोमणि। तो बोले के नहीं देखे स्थान स्थान यारे तारे कैला दान, महाप्रभु दाता शिरोमणि, कि वो आए। और इसके लिए रूप गोस्वामी ने उनको महावदन न्याय कहा कि आप सबसे ज़्यादा म्यूनिफिसेंट हो, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कृष्ण प्रेम प्रदायते, भगवान का प्रेम इतना आसानी से प्राप्त नहीं होता। भगवान मुक्ति आसानी से दे देते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते, क्योंकि भक्ति देंगे तो भगवान बिक जाएंगे भक्त के हाथ में, और कोई भी बिकना नहीं चाहता, भगवान भी बिकना नहीं चाहते हैं। इसके लिए बहुत ही रेयर ये फिनोमिना है जिसमें भगवान उनकी शुद्ध प्रेमा भक्ति किसी को देते हो, केवल गोपियों को, और बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनको भगवान ने अपनी भक्ति दी, मुक्ति वो दे देते, इसलिए उनको मुकुंद कहते हैं, भक्ति वो आसानी से देते नहीं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु आए सबको अपनी भक्ति देने के लिए। यहाँ पर इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब तक कोई ब्राह्मण के लेवल पर नहीं आएगा उसको आगे वो शुद्ध सत्व में नहीं जा सकता और वो भक्ति प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग सब हमारे गरेबान में झांक के देखेंगे तो हमारा कोई योग्यता ही नहीं है कि हम लोग उस लेवल पे पहुंचे। सबकी हालत बहुत ख़राब है, और ऐसी ख़राब हालत के अंदर अगर भगवान भगवद गीता का श्लोक बोल के खड़े रहेंगे हमारे साथ में कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थतय भजाम्य हम, कि जो मेरे पास जैसी इच्छा लेके आता है मैं उसके साथ वैसा आदान प्रदान करता हूँ, तो भगवान को अकेले खड़ा रहना पड़ेगा ऑल्टर में, कोई नहीं आएगा उनके पास में। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान, इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भगवान कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसके साथ प्रेम करता हूँ, लेकिन जो मुझसे युद्ध करना चाहता है मैं उसके साथ युद्ध भी करूँगा, जो मेरे साथ बिजनेस करना चाहता है भगवान उसके साथ बिजनेस भी करेंगे, है कि नहीं? एक बार जगन्नाथ मंदिर के बाहर ऐसा हुआ, पुजारी निकल के घर पे जा रहा था और वहाँ पे उसको 100 का नोट दिखाई दिया, तो तुरंत उसने 100 का नोट उठाया और अपने जेब में रख दिया, और उसने सोचा कि 100 का नोट मुझे मिला है, बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। लेकिन फिर उसने ऐसा सोचा कि ये 100 का नोट एग्जैक्टली मंदिर के बाहर मिला है इसलिए ये भगवान का है, ठीक है? तो 95 भगवान का और 5 मेरा, मेरे को मिला है तो 5 रुपया मैं रखता हूँ, 95 मैं भगवान को दे दूंगा, ऐसा करके और उसने जेब में पैसा डाला, थोड़ा आगे गया तो ऐसा होता है कि जैसा मैं एक वो सीरियल देख रहा था उसमें का कि व्यक्ति की जो लालसा होती है ना वो कभी ठहरती नहीं है, वो बढ़ते जाती है। तो उसने सोचा कि ये है तो जगन्नाथ का, लेकिन क्योंकि मुझे मिला है 10 रुपया मेरा है और 90 रुपया जगन्नाथ का है, ऐसा ऐसा आगे बढ़ता गया। फिर उसने वो 10 का 20 किया, 25 किया, 50 किया, और फिर जब तक अपने घर के वहां तक पहुंचा तब तक उसने उसके ऊपर लिख दिया कि नहीं 50-50, चलो 50 मेरा 50 जगन्नाथ का, और उस पर लिख के और घर पे जाके सो गया। जब रात को सोया और सुबह उठ के जब वो मंदिर में गया और मंदिर में जब वहाँ पे पूजा करने गया तो उसने देखा कि वही 100 रुपए का नोट जगन्नाथ की हुंडी में पड़ा है और उस पर लिखा है 50-50। तो देख के बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, उसने सोचा ये क्या हो गया, ये नोट यहाँ पर कैसे आया। वापिस घर गया तो उसकी पत्नी बोली कि आप सुबह सो रहे थे, मुझे जल्दी उठ के मंगल आरती में जाना था और मैं जा रही थी, मैंने सोचा कि जाऊंगी खाली हाथ कैसे जगन्नाथ के पास जाऊंगी, आपकी जेब में हाथ डाला तो 100 का रुपया मिला और मैं तो जो जगन्नाथ का है वो तो जगन्नाथ को मिलने ही वाला है, जो भगवान का है तो भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, कि जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा, जैसे माली भगवान से प्रेम करना चाहता था भगवान ने उसके साथ प्रेम किया, धोबी भगवान ने धोबी को चांस दिया, ऐसा बताते हैं कि 100 जन्म लेने के बाद धोबी को वो जन्म मिला था जब वो कंस का धोबी बना था और उसको भगवान के फेस टू फेस साक्षात दर्शन हुए, और उस टाइम उसके पास चांस था कि वो भगवान को सरेंडर कर सकता था, लेकिन जब कृष्ण ने उससे कपड़े मांगे कि मैं मथुरा में जा रहा हूँ थोड़े मेरे को अच्छे कपड़े दे दो, क्योंकि भगवान तो आए थे जंगल में से वृंदावन है वो, तो वन में से भगवान आए थे आराम से, तो उन्होंने बोले अरे शहर में जा रहा हूँ कुछ अच्छा अच्छा कपड़ा मेरे को दे दो,
तो उसने कहा कि अरे भाग कपड़े लेगा तू, ये तो कंस के कपड़े हैं, कैसे तेरे को मिलेगा। और भगवान ने फिर क्या किया, उस धोबी को मार दिया। और वैसे ही कुब्जा, वो कंस के लिए चंदन का लेप लेके जा रही थी, और जब कृष्ण ने मांगा उसने उनको दे दिया, तो कृष्ण ने कुब्जा को भी सेटिस्फाई किया। तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। हम लेकिन हम लोगों में किसी में प्रेम है नहीं कि हम भगवान से प्रेम करें, है कि नहीं। तो जब अगर हमारे पास प्रेम ही नहीं है और हम भगवान के पास जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे। ऐसा कहते हैं कि इफ यू स्क्वीज अ लेमन व्हाट विल कम आउट, लेमन जूस। इफ यू स्क्वीज अ ऑरेंज व्हाट विल कम आउट, ऑरेंज जूस। इफ यू स्क्वीज अ मैंगो व्हाट विल कम आउट, मैंगो जूस। सो इफ यू स्क्वीज अवर सेल्फ व्हाट विल कम आउट, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एक्सेट्रा इत्यादि, ये सब बाहर निकलने वाला है। तो कोई भक्ति तो आने वाली नहीं है कि हम लोग को कोई निचोड़े और भक्ति सामने आए। तो ऐसा लेके हम लोग कैसे जाएंगे भगवान के सामने, तो भगवान को अकेले खड़ा रहना पड़ेगा ऑल्टर में, कोई आएगा नहीं। तो भगवान ने सोचा कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, यू नो, क्योंकि सारे के सारे लोग जो है वो अधमी है, और ऐसे अधम लोगों को प्रेम देने के लिए मुझे एक स्टेप नीचे आना पड़ेगा और चैतन्य महाप्रभु का रूप लेना पड़ेगा और महाबद्ध न्याय करके। तो ना ही देखी स्थान स्थान यारे कार्य कैला दान महाप्रभु दाता शिरोमणि, कि वो कृष्ण का प्रेम वो सबको फ्री में बांट रहे हैं कि लेके जाओ लेके जाओ, कोई कीमत नहीं चुकानी है। और वो लोग मार्केट लगा के रखते हैं, जैसे नित्यानंद प्रभु ने लगाया था, तो उसमें कहते हैं कि बड़ो दयाल नित्यानंद, बड़ो दयाल नित्यानंद, श्रद्धा मात्र ले देन परमानंद। तो ये नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं कि इन्होंने बाजार लगा के रखा है और सबको कहते हैं कि चलो आमार संगे चालो महा जनर काछे जाए, खोड़ा निताई खोड़ा निताई। बोले खड़े नित्यानंद वहां पे और कहते हैं कि आओ जिसको जो चाहिए वो मेरे पास से लेके जाओ। बड़ो दयाल नित्यानंद, बड़ो दयाल नित्यानंद। तो ये नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने हाथ लगाया, और चैतन्य महाप्रभु तो सबको कहते हैं कि देखो लोग तो मेरे पास आने वाले भी नहीं है, हालांकि मैं आया हूँ महावद्धनाय का रूप लेके, लेकिन कलयुग के लोग इतने पतित है, इतने गिरे हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारी आत्मकथा भागवत में लिखी है, प्रायण अल्पायुष सद्य कलवस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या ही उपद्रता। तो कई लोगों को इस दुनिया में ये भी नहीं मालूम है कि मेरा हित किस में है, मेरी अच्छाई किस में, मैं क्या करूं तो मेरे को अच्छाई, उतना भी ज्ञान नहीं है। मतलब अच्छा करना तो बहुत बात की बात है, लेकिन मेरी अच्छाई किस में है वो भी लोगों को पता नहीं है। तो बोले कि ऐसे लोग है, ये लोगों का कुछ नहीं हो सकता। जैसे कुछ लोग होते हैं ना गंगा के तट पे रहते हैं लेकिन कभी गंगा में स्नान करने के लिए नहीं जाते, और बाकी के लोग दूर दूर से वो जाते हैं गंगा का स्नान करने के लिए क्योंकि उनको पता है कि गंगा का इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन कई लोग ऐसे तो बोले कि इतना इम्पोर्टेंस चीज मैं लेके आया हूँ लेकिन कोई लेने को रेडी नहीं है। तो कई बार क्या होता है गंगा में अप्लावन आता है, वो पूरा गंगा उनके घर में घुस जाती है क्या नहीं, बाढ़ आ जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हम लोग ऐसी बाढ़ लाएंगे अभी। तो उन्होंने जाके हरिदास ठाकुर को और नित्यानंद प्रभु को कहा, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, अमर आज्ञा जाओ करी हो प्रकाश, प्रति घरे घरे जाओ करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। बोलो तुम सबके घर में जाओ, हाथ जोड़ो, उनके पैर पड़ो और उनको बोलो कृष्ण इज योर फादर, कृष्ण इज योर मदर, कृष्ण इज योर लाइफ एंड सोल, वर्शिप कृष्णा, भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगे नाम रे। नित्यानंद प्रभु ये भजन गाते थे और सबको कहते थे कि गौरांग का नाम लो, गौरांग का नाम भजो। और ये गौरांग क्या बोल रहे, कृष्ण का नाम लो, एक ही बात है, दोनों सेम है। तो बोलते कृष्ण का नाम लो, कृष्ण को भजो, और इस तरह से वो जा जाके सबको करते थे। और फिर भी लोग अगर नहीं बनते थे डिवोटी, तो भगवान ने सोचा कि अरे मुझे बताना पड़ेगा कि कैसे डिवोटी बनते। तो अपने आचार से उन्होंने बताया। तो ये पंच तत्व में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम जी है, अद्वैत आचार्य जो कि महाविष्णु और शिव जी का कंबाइन अवतार है, और गदाधर पंडित जो श्रीमती राधा रानी है। तो पांच में से चार जो है वो विष्णु तत्व है, और एक जो है वो जीव तत्व है, वो है श्रीवास ठाकुर, वो नारद मुनि का अवतार है। तो ये पांच हमारे पंच तत्व है। तो अगर किसी को बाद में कभी कोई तो याद आवे कि पहला श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, कृष्ण सु।
नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम। अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु और सदाशिव। ओके। गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी। और श्रीवास ठाकुर कौन है? नारद। जो जीव तत्व है, जो डिवोटी है, बाकी सब प्रभु है। नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, महाप्रभु और गदाधर पंडित प्रभु, वो भी है, लेकिन ये जो है श्रीवास ठाकुर, ये भगवान के भक्त हैं। और अपने आचरण से श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको पंचतत्व में रखा है। तो बताया कि किस प्रकार से हमको भक्त बनना चाहिए, तो भक्त बनने की जो व्याख्या है और भक्त कैसा होता है वो श्रीवास ठाकुर के आचरण से बताया हम लोग थोड़ा सा। तो ये श्रीवास ठाकुर, ये चार भाई थे, श्रीवास, श्रीराम, श्रीनिधि और श्रीपति। ये चार भाई थे जो कुम्हारहट, जिसको आज सिलेट भी बोलते हैं बांग्लादेश में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ऐसे बताते हैं कि श्रीवास जो है वो नारद मुनि है, और नारद मुनि के एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे जिनका नाम था पर्वत मुनि। तो पर्वत मुनि श्रीराम बनकर आए थे, दोनों भाई जो थे उन्होंने ये इनकार्नेशन लिया था। और श्रीवास ठाकुर पहले जब नारद मुनि थे तो ब्रह्मचारी के रूप में थे, लेकिन यहाँ पर वो गृहस्थ के रूप में आए। उसका भी एक लंबा स्टोरी है, तो इतना डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते हुए, अपनी वीणा बजाते हुए ढूंढ रहे थे, और हर जगह पे, हर वन में ढूंढने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण उनको मिले नहीं। तो फिर वो एक स्थान पर कहीं जाकर बैठ गए, और वहाँ पर वृंदे देवी उनको मिली। और वृंदे देवी से उन्होंने पूछा, छोटी सी बालिका थी वो, कि भाई श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा चलो मैं तुमको बताती हूँ। तो वो उनको कुसुम सरोवर में लेके गई, और वहाँ पर नारद मुनि बैठे थे, और उस बालिका ने नारद मुनि को धक्का दे दिया। अरे स्टोरी बहुत लंबी है। तो नारद ने सोचा कि मैं बालिका से बात करूंगा, मेरा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, ये वो सब कैसा करके, लेकिन उन्होंने धक्का दे दिया। और जैसे नारद मुनि अंदर गिरे और बाहर निकले, तो नारद मुनि पुरुष से स्त्री बन गए, तो नारद से वो बन गए नारदी। तो वृंदा देवी ने कहा कि तुम अभी यू आर नो मोर नारद, यू आर नारदी गोपी, नारदीय गोपी, तो तुम नारदी बन गई हो, और अभी कृष्ण का तुमको दर्शन होगा। क्योंकि कृष्ण का दर्शन है, कृष्ण का रास कोई देखना चाहे तो अपने आप को पुरुष समझ के जाएगा तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है? नहीं, इसके लिए पुरुष केवल एक ही है, भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर, और बाकी सब जो है वो प्रकृति है। इसलिए जो पुरुष का भाव या अपना अहंकार अगर लेके जाएगा, वो भगवान से नहीं मिल पाएगा। इसीलिए शिवजी, अगर आपको पता हो, थोड़ा सा मैं डिटूर कर रहा हूँ, लेकिन आपको वृंदावन में पता हो तो एक शिवजी का मंदिर है जिसको बोलते हैं गोपेश्वर महादेव। कितने लोगों ने दर्शन किए गोपेश्वर महादेव के? बहुत ही विशेष मंदिर है ये, जिसमें शिवजी को गोपी के जैसे सजाया जाता है। शिवजी का श्रृंगार होता है गोपी के रूप में, क्योंकि जब शिवजी भी भगवान से मिलना चाहते थे, उनका दर्शन करना चाहते थे उस रास का, तो शिवजी को भी गोपी बनना पड़ा, और फिर वो जा सके। नारद मुनि को भी गोपी बनना पड़ा, लक्ष्मी नहीं जा पाई, क्योंकि लक्ष्मी गोपी बनने के लिए रेडी नहीं थी, और अपना अहंकार लेके लक्ष्मी को एंट्री नहीं मिली रासलीला के अंदर। यानी वो नारदी गोपी मिल गई, भगवान श्री कृष्ण का उनसे साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, लेकिन कृष्ण वापिस से अंतर ध्यान हो गए। तो कृष्ण वहां से चले गए, और फिर नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रहे थे कि कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी मैं तुमको अपने नेक्स्ट इनकार्नेशन में मिलूंगा, जब तुम श्रीवास के रूप में आओगे। तो श्रीवास थे, उनकी पत्नी का नाम था मालिनी देवी, और ये चार भाई थे जो बहुत अच्छी तरह से साथ में रहते थे, बड़ा घर था उनका। और उनका क्या ऑक्यूपेशन बिजनेस था वो तो नहीं बताया गया है, लेकिन ऐसे बताते कि उनका घर बहुत बड़ा था, और वरांडा था घर के अंदर, एक जैसे जंगल के टाइप, फॉरेस्ट टाइप ही कुछ था। और उनके घर के अंदर कुछ नौकर चाकर वगैरह भी थे। और श्रीवास ठाकुर का पूरा दिन का काम क्या था? पूरे दिन भर वो श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे, और पूरी रात वो कीर्तन करते। तो काम क्या करते होंगे हमको मालूम नहीं लेकिन यही उनका कार्य था, पूरे दिन भर श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम को पढ़ते थे, और पूरी रात भर वो कीर्तन करते थे, ये उनका काम था। तो यानी आगे मैं आपको बताऊंगा कि चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा भी था। इंडेड चैतन्य महाप्रभु ने एक बार उनसे पूछा कि श्रीवास तुम काम क्या करते हो, तुम्हारा इतना बड़ा घर है, चार भाई हो, उनका पूरा परिवार है,
तुम्हारा घर चलता कैसे है, तुम करते क्या हो, काम क्या करते हो? तो श्रीवास ने कहा कि कोई बात नहीं प्रभु, मेरे को कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, आपकी कृपा है, ऐसा करके। तो भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं नहीं श्रीवास बताओ तुम करते क्या हो। तो बहुत बार जब खींचा ताने की तो श्रीवास ने ऐसे किया बस। तो चैतन्य महाप्रभु बोले ये क्या है ये कौन सा काम है, तीन बार ताली बजाया। तो श्रीवास ने कहा कि बस यही करता हूँ मैं। तो चैतन्य महाप्रभु को फिर उन्होंने बताया कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं तीन ताली बजाता हूँ और वो ज़रूरत मेरे पास आ सकती है। कितने लोगों का ऐसा कि कोई काम ना करना पड़े, केवल तीन ताली बजाओ और सब कुछ प्रकट हो जाए। तो बोले मैं तीन ताली बजाता हूँ और उस तीन ताली के अंदर लक्ष्मी जो है वो मेरे को सब कुछ सप्लाई कर देती है, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यस श्रीवास, कभी अगर ऐसा जमाना आएगा कि लक्ष्मी को भीख मांगना पड़े, किसको, लक्ष्मी को भीख मांगना पड़े, तो वैसा भी होगा लेकिन तुम्हारे घर में कोई चीज की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम पूरा दिन भागवत पढ़ते हो और पूरी रात कीर्तन करते हो। तो अगर कोई ऐसा करने के लिए रेडी है तो शायद भगवान की कृपा पूर्ण रूप से वहां पे मिलेगी। तो तीन क्लैप वो कहते हैं। और श्रीवास के घर पे भगवान, ये जो है श्रीवास आंगन जिसके अंदर, तो श्रीवास बेसिकली उनका जन्म हुआ था श्रीहट्ट में, लेकिन वो वहां से माइग्रेट होके मायापुर में आ गए थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु का जहां पर आविर्भाव हुआ था, योग पीठ जिसको बोलते हैं, उस योग पीठ से थोड़ी दूर पे श्रीवास आंगन था। और उस श्रीवास आंगन के अंदर सारे के सारे भक्त, ये जो चैतन्य महाप्रभु के पहले अपीयर हुए थे। इंडिया ऐसा हमेशा होता है कि जब भगवान का अवतार होना रहता है तो उनके भक्त लोग उनके पहले आके सारा प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कृष्ण भी आने थे, उसके पहले सारा प्रिपरेशन हो गया था, सारे सारे लोगों का अवतरण हो गया था। भगवान रामचंद्र जी जब आए थे उसके पहले सारे के सारे लोगों का अवतरण हो गया था। हनुमान जी, सुग्रीव इत्यादि जो थे वो सब उस धरातल पे आके रेडी हो गए थे सारे देवता लोग। और वैसे ही जब श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव होना था तो अद्वैत आचार्य श्रीवास पंडित, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर इत्यादि सारे के सारे लोग वहाँ पर ऑलरेडी विद्यमान थे। सब लोग वहाँ पर आए थे और वो लोग बैठ के और भगवान की पूजा करते थे। और उस समय ये 500 साल पहले की बात है जब बंगाल के अंदर मुगलों का शासन था। और उन मुगलों के शासन में कई बार भक्त लोगों को बहुत डर डर के रहना पड़ता था, जैसे हम लोग भी यहाँ पर डर डर के रहते हैं। तो मुगलों के उसके अंदर छुप छुप के वो लोग भक्ति करते थे और जो दूसरे लोग थे उनकी हालत बड़ी दयनीय थी, क्योंकि वो लोग भगवान के प्रति आकर्षित नहीं थे। और बंगाल के अंदर जैसे कि प्रथा है, सारे के सारे लोग शाक्त ज़्यादा होते हैं, मतलब शक्ति की उपासना करते हैं, देवी की उपासना करते हैं, और मटेरियल मेंटालिटी बहुत ज़्यादा होता है। और उस समय नवदीप जो था वो एक हाई सीट था लर्निंग का, तो जहाँ पर लोग केवल अपनी लर्निंग एक दूसरे को दिखाते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा था, बहुत घमंड था, और जितना पैसा कमाते थे वो अपने बेटे की शादी में खर्च करते थे और दिखावा करते थे। तो इस प्रकार से कोई भी भक्ति के अंदर लीन नहीं था। तो अद्वैत आचार्य को और श्रीवास ठाकुर को ये सब देख के बहुत बुरा लगा और उन्होंने सोचा कि कैसे कैसे इन लोगों को भक्ति में लाया जाए। तो उन्होंने भगवान के लिए प्रार्थना की और गौतमी तंत्र में अद्वैत आचार्य ने पढ़ा कि अगर भगवान को गंगा जल और तुलसी दल अगर ये अर्पण किया जाए तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने अपने शालिग्राम की शिला की वर्शिप चालू की ये चीज के द्वारा, गंगा का जल और तुलसी दल से, और हुंकार लगाई भगवान को और भगवान को इस धरातल पे अवतरण होने के लिए विवश किया। और सेम टू सेम श्रीवास ने भी, और दिन में अद्वैत आचार्य श्रीवास ठाकुर के घर पे जाके भागवत का पाठ करते थे, भागवत पढ़ते थे। और ऐसा वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, क्या नाम था उनका, विश्वंबर चैतन्य महाप्रभु का नाम विश्वरूप, सो विश्वरूप उनके घर जाता था और वो वहाँ पर श्रीमद् भागवतम की जो क्लास होती थी ये सब अटेंड करते थे और वो भागवत सब आपस में पढ़ते थे भक्त लोग। सो ये भागवत जो है ये वैष्णवानाम प्रियाम, भागवत में ऐसा आता है कि ये जो भागवत है ये वैष्णवों को बहुत प्रिय है। और इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जब ये भजन गाते हैं तो उन्होंने वो कहते हैं कि विचार करिया मने भक्ति रस आस्वादने,
मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। वो कहते हैं कि मैंने सारे शास्त्रों का टटोल के देखा है, सबका निचोड़ निकाला है, और ये जो ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम है, दिस इज टॉप मोस्ट। तो वो भागवत पढ़ते थे और वहाँ पर ये लोग पूजा करते थे। फिर कालांतर में श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ, और जब चैतन्य महाप्रभु पैदा हुए, श्रीवास ठाकुर उनसे 30 साल बड़े थे, मतलब उनके 30 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। अद्वैत आचार्य तो उनसे और भी बड़े थे, तो श्रीवास जो थे वो उनके पिता की उम्र के थे, और चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम क्या था, जगन्नाथ मिश्रा। तो जगन्नाथ मिश्रा के वो सम एज के थे, और जगन्नाथ मिश्रा तो चैतन्य महाप्रभु के पिता के रूप में थे, इसलिए कभी कभी श्रीवास जो थे उनको चैतन्य महाप्रभु को करेक्ट करने के लिए डांट भी देते थे। क्योंकि निमाई का अगर आपको स्टोरी हो, वो हमारा अभी सब्जेक्ट मैटर नहीं है, तो चैतन्य महाप्रभु जब छोटे से बालक थे तो उन्होंने बहुत सारी अपनी लीलाएं की और उन लीलाओं से बहुत सारी शिक्षाएं दी, और जब थोड़े बड़े हुए तो ग्रामर के बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और फिर वो टीचर बने ग्रामर के, इसलिए उनका नाम क्या था, निमाई पंडित। पंडित थे और इतने प्रगाढ़ पंडित थे कि सब लोगों को हरा डालते थे, और इतना ज्ञान ऑब्वियसली, क्योंकि जो भगवान है उनसे ज़्यादा ज्ञान तो किस में होगा, जैसे भगवान के 6 ऑपुलेंस है उसमें ज्ञान एक है, है ना, तो सबसे ज़्यादा ज्ञान उनके अंदर था, और सरस्वती माता उनके साथ में थी, तो हर किसी को पकड़ के और बहुत आर्ग्यूमेंट करते थे वो, और उसको परास्त कर देते थे। तो कोई भी रास्ते में जाता, मुकुंद जाता, मुकुंद को पकड़ लेते और मुकुंद को बोलते चल बैठ मेरे साथ शास्त्रार्थ कर, और ऐसे। तो इस तरह का जब होता था तो कभी कभी श्रीवास पंडित उसको कहते थे कि हे निमाई, और निमाई बहुत एरोगेंट था, बहुत ही उद्दंड बालक, और मतलब इतना घमंड था उसको अपनी पढ़ाई का, को सब उससे डरते थे, थर्राते थे, कांपते थे। इंडीड ऐसा एक एपिसोड आता है कि जिसमें दिग्विजय पंडित केशव कश्मीरी वो आया था पूरी दुनिया को जीतते हुए, और उसके पास एक विजय पत्र था, सर्टिफिकेट ऑफ विक्ट्री, जो लेके घूमता था, और हर किसी को उसके साथ शास्त्रार्थ करना पड़ता था, और जो उसे शास्त्रार्थ करके हार जाता था उसके वो सिग्नेचर लेता था कि मैंने तुमको हरा दिया। ऐसा पूरी दुनिया में घूम घूम के आया और नवद्वीप में पहुंचा, और नवद्वीप वासी सब लोग डर गए, लेकिन निमाई सामने आया और निमाई ने उसके साथ शास्त्रार्थ करके और उस दिग्विजय पंडित को पूरी तरह से हरा दिया। मतलब इतना उनका पावर था, और कई बार वो इस तरह से की चीज़ करता था, लेकिन भक्ति नहीं करते थे उस टाइम पे, वो उन्होंने अपना मैनिफेस्टेशन नहीं किया था भक्ति का। तो श्रीवास उसको कहते थे कि हे निमाई, ये क्या तुम कर रहे हो, क्या इतना ज्ञान अर्जन करके कोई तुमको फायदा होने वाला है क्या, कोई भक्ति वक्ति तुमको मिलने वाली नहीं है, और इस प्रकार से वो उसको कभी कभी डांटते थे कभी उनके बारे में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बाद में जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो वो गया गए, और गया में उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आया, जहाँ पर उनकी मुलाकात अपने गुरु ईश्वरपुरी से हुई, और ईश्वरपुरी से मिलने के बाद श्री ईश्वरपुरी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा प्रदान की, मंत्र दिया। तो पहले चैतन्य महाप्रभु ने वो मंत्र ईश्वरपुरी को दिया, और ईश्वरपुरी ने वापस वो मंत्र चैतन्य महाप्रभु को दिया, क्योंकि वो भगवान है। और जब वो मंत्र लेके आए तो देर वॉज कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन निमाई, कि पहले जितना वो उद्दंड बालक था, जितना एरोगेंट था, और जितना जिस प्रकार से उल्टा पुल्टा करता था, अभी पूरा चेंज हो गया। और जब निमाई को लोग देखते थे, पर्टिकुलरली श्रीवास और अद्वैत आचार्य, वो सोचते थे कि ये इतना अच्छा, जैसे कभी कभी हमको ऐसा लगता है ना कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, हमको लगता है ये आदमी डिवोटी बन जाए तो कितना अच्छा होगा, ठीक है ना। जैसे एक बार मेरा एक दोस्त बोलता, अरे एक शेख को डिवोटी बना देने का फिर बस अपना सारा स्पॉन्सरशिप हो जाएगा। तो उनको ऐसा लगता था कि निमाई इतना इंटेलिजेंट है, अगर ये डिवोटी बन गया तो कितना अच्छा हो जाएगा, ऐसा सब सोचते थे। और कभी कभी जब ये श्रीवास उनको ऐसी बात कहते थे तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि हाँ श्रीवास, एक दिन ऐसा आएगा जब आपके आशीर्वाद से मैं भक्त बन जाऊंगा, ऐसा बोल के वो चले जाते थे मुस्कुराते हुए। तो अब जब वापस से निमाई नवद्वीप में आए और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उनके जीवन का, तो उसको देख के भक्त बड़े खुश हो गए और आपस में बात करने लगे कि भगवान की कितनी बड़ी कृपा है हमारे पे, नारायण ने कितनी बड़ी कृपा की है कि निमाई को भक्त बना दिया, अभी निमाई भक्त है और अभी सबको भक्ति के अंदर लाएगा और सबका उद्धार करेगा, और ऐसा करके बड़े खुश होते थे। और चैतन्य महाप्रभु की तो हालत ऐसी हो गई कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो पागल हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनते थे, जैसे मैं बोलता हूँ अभी कृष्णा, कितने लोग फेंट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु की ऐसी हालत थी कि वो भगवान का नाम लेते थे तो फेंट हो जाते थे, और पूरा ऐसा, और इतने पागल के ऐसा नृत्य करते थे, कहते थे कि कीबा मंत्र दिला गोसाई कीबा तार बल,
जपिते मंत्र हुईला पागल, वो तो पागल हो जाते थे एक्चुअली। और ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जब चैतन्य महाप्रभु के अंदर आया तो श्रीवास बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ अभी हमारे पास कुछ। लेकिन उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर भी अपना पूरा संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन नहीं किया था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए थे संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन करने के लिए, लेकिन बहुत ही छुपा हुआ चीज के अंदर वो अपना संकीर्तन करते थे। और वो संकीर्तन होता था श्रीवास आंगन में। और श्रीवास आंगन क्या है? श्रीवास आंगन रासस्थली है। तो जैसे श्री कृष्ण गोपियों के साथ में रास करते थे और उसमें किसी का प्रवेश नहीं था, इवन शिवजी, नारद, अर्जुन, लक्ष्मी, यू नो, कोई उसमें अपने रूप में प्रवेश नहीं पा सके, वैसे ही श्रीवास आंगन के अंदर भगवान बहुत ही अपने निकटतम जो उनके पार्षद थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो उनके थे, उनके साथ में मिलके और रोज संकीर्तन करते थे और उस संकीर्तन का आनंद उठाते थे। और ऐसा एक साल तक चला। एक साल तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के घर में संकीर्तन करते थे और उसके अंदर किसी भी लोग को अलाउड नहीं था उस संकीर्तन आंदोलन में भाग लेना। और वो एकदम बहुत ही जो भगवान के एकदम नित्य पार्षद थे और गहन भक्त थे, केवल वही कर सकते थे। तो क्योंकि ये संकीर्तन हो रहा था श्रीवास के घर में, तो एक बार श्रीवास की सास मदर इन लॉ उसने सोचा कि यार ये लोग सब कीर्तन करते हैं और मुझे इसमें चांस नहीं मिलता है, तो मुझे इसमें चांस लेना है। तो उसने क्या किया, एक फर्नीचर के पीछे जाके छुप गई कीर्तन चालू होने के पहले, और वहाँ पर वो सोची कि मैं भगवान का कीर्तन को देख लूँगा। लेकिन भगवान की भक्ति और भगवान को देखना इतना आसान नहीं है, ऐसे हम लोग नहीं देख सकते सोच के। कई बार कई लोग बोलते हैं कि भगवान है तो मेरे सामने लेके आओ, यू नो, भगवान को मैं देखूंगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हमेशा कहते थे, डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू सर्व हिम इन सच ए वे दैट ही वॉन्ट्स टू सी यू। तो वो वहाँ पर छुप गई। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो जनरली वो कीर्तन करते थे तो बहुत भावाभोर होके इतना कीर्तन होता था उनका, और गाते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो जब कीर्तन करते थे अचानक कीर्तन करते करते रुक गए और उन्होंने कहा कि श्रीवास आज मुझे उस आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, क्या तुम्हारे घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए और कीर्तन में भाग ले रहा है? तो उन्होंने ढूंढा और पता चला कि वो सास वहाँ पे मिली। तो ये श्रीवास पंडित को भी पता नहीं था इस बात में, तो उन्होंने उसको बहुत डांटा और उसको वहाँ से निकाल दिया और बोला कि आप ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का ये कीर्तन अटेंड नहीं कर सकते। फिर एक बार ऐसा और हुआ कि बहुत सारे लोग इस कीर्तन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, तो एक ब्रह्मचारी था जो बहुत ऑस्टियर था और वो श्रीवास पंडित के पास जाके कहा, एटलीस्ट ये आदमी अच्छा था कि वो सास तो बिना पूछे छुप गई थी, ये कम से कम पूछने गया श्रीवास से। और श्रीवास को कहा कि श्रीवास मैं जानता हूँ आपके घर के अंदर कीर्तन होता है, आप मेरे को वहाँ पे एंट्री दीजिए। तो श्रीवास ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, चैतन्य महाप्रभु हर किसी को अलाउ नहीं करते, आप नहीं आ सकते। तो उसने कहा कि नहीं नहीं प्लीज़ 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 मुझे अलाउ करो। और फिर उसने बताया कि देखो मैं तो एकदम नैष्टिक ब्रह्मचारी हूँ और मैं तो केवल दूध पीता हूँ, यू नो, खाना भी नहीं खाता और केवल दूध के ऊपर अपना सर्वाइव करता हूँ और बहुत तपस्या करता हूँ, बहुत ऑस्टेरिटी करता हूँ, और मैं बिल्कुल आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, दूर से देखूंगा, एक बार देखूंगा, एक बार देखने के बाद चला जाऊंगा, एक झलक मेरे को देखनी है। तो श्रीवास का दिल पसीज गया, उसने सोचा कि यस, हर किसी को भगवान की कृपा मिलनी चाहिए। उसने अलाउ किया और फिर चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन करते करते अचानक रुक गए और बोले कि श्रीवास, तब श्रीवास थोड़े डर गए क्योंकि अब उनको मालूम था कि कोई है। और भगवान ऐसे बताते हैं कि कभी कभी कमल के समान बहुत कोमल होते थे और कभी कभी वज्र के समान कठोर हो जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु की कठोरता वो का ज्ञान सबको था, तो श्रीवास एकदम डर गए और उन्होंने सोचा कि अभी चैतन्य महाप्रभु कुछ बोलेंगे। तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि हे प्रभु, केवल एक छोटा सा ब्रह्मचारी है जो आपका कीर्तन देखना चाहता था, वो यहाँ पर छुपा हुआ है और वो केवल दूध पीता है बस, वो तो कुछ खाता वाता भी नहीं है, बहुत ऑस्टेरिटी करता है। और चैतन्य महाप्रभु बोला, बुलाओ उसको बाहर, कौन है? और उसको बुलाया, वो थर 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 कांपने लगा चैतन्य महाप्रभु के सामने। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि क्या तुम सोचते हो कि केवल दूध पी के तुमको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा? अरे कितने सारे लोगों ने तपस्या की
शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने, लक्ष्मी ने हजारों करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तपस्या की, फिर भी जाके उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ आसानी से। तुम समझते हो कि इतने आसानी से तुमको मिल जाएगा, चले जाओ तुम यहां से, निकल जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। और इतना जोर से चैतन्य महाप्रभु ने उसको डांट के बोला कि वो बेचारा इतना सब कुछ डांट खाने के बाद भी, और धीरे 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 बाहर निकल के जाने लगा। और जब उसको डांटा गया तो उसने कुछ भी रिवोल्ट नहीं किया। लेकिन अगर हमारे साथ कुछ भी होता तो हमारा सबसे पहला ब्रह्मास्त्र बाहर निकलता है कि जैसे अगर कोई हमको ऐसा बोलता है, जैसे हम लोग भगवान के सामने जाके भले बार बार कितनी बार भी भगवान को ऐसा कह दे कि मौसम पतित प्रभु ना पाई वो आर, आज हमने भजन भी गाया गौरांग करुणा करो दीन ही ने जीने, मौसम पतित प्रभु ना ही त्रिभुवन, कि इस त्रिभुवन में मेरे ऐसा कोई फालतू आदमी नहीं है, गिरा हुआ नहीं है, इतना हम लोग जाके कह ले वे भगवान को कहते हैं। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आकर कहे कि प्रभु जी आप बहुत गिरे हुए हो ये बात ना मुझे बहुत साल पहले एक रिक्शे वाले ने कही थी, जब मैं बॉम्बे के अंदर रिक्शे में कहीं जा रहा था, करीबन नहीं कम से कम तो ये 23-25 साल पहले की बात होगी, और उसने ये मेरे को फंडामेंटल सिखाया था जिससे मैंने बात सीखी। तो उसने कहा कि लोग मंदिर में जाके बहुत गिड़गिड़ाते ऐसा बोलते हैं, लेकिन अब कोई किसी को बोल दो तो कितना गुस्सा आ जाता है इमीडिएटली। तो इतना कुछ डांटने के बाद भी ही डिडंट रिवोल्ट, उसने कुछ कहा नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु को ये बात बहुत पसंद आई, और वो जब जा रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको बुलाया और फिर उसको माफ़ कर दिया। तो उसने सोचा कि चलो मेरा जीवन तो सफल हो गया, एक बार कम से कम चैतन्य महाप्रभु का दर्शन मैंने कर लिया, और फिर वो वहाँ पे निकल के चला गया। एक बार ऐसा और हुआ था कि श्रीवास आंगन में, श्रीवास के घर में जब चैतन्य महाप्रभु अपनी महाप्रकाश लीला कर रहे थे, 21 घंटे तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला की थी, अष्टप्रहरी लीला। और इस लीला को करते टाइम पे जब चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था, और उस अभिषेक के टाइम पे एक श्रीवास की एक मेड सर्वेंट थी जिसका नाम था दुखी, दुखी उसका नाम था, और वो मटके भर भर के पानी ला के दे रही थी। और उसको बिचारी को कुछ पता नहीं था कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ ज्ञान भी नहीं था, कुछ अता पता भी नहीं था, केवल शी वॉज द सर्वेंट ऑफ 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 श्रीवास, श्रीवास की वो मेड सर्वेंट थी, और केवल पानी लाला के दे रही थी, पानी लाला के देख रही थी। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भक्ति करते हैं और कई बार हमारी भक्ति नोटिसेबल होनी चाहिए, है कि नहीं? ऐसा मन में इच्छा रहती है कि मैं कुछ करूँ तो उसको नोटिस करूँ। इस दुनिया में हम लोग कुछ भी करते हैं, चाहे हम लोग काम भी करते हैं, चाहे हम लोग जो कुछ भी करते हैं, यू नो कपड़ा भी पहनते हैं तो दूसरों को दिखाना चाहिए, यू नो किसी ने कमेंट किया नहीं किया। एक बार एक लेडी ने एक सब्जी बनाई, खाना बनाया और अपने पति को दिया, तो सब वो खा रहा था, तो खाते ही उसने पहले एक और लेके बोला कि अरे इसमें तो नमक ही नहीं है। और वो पत्नी भड़क गई, बोली क्या नमक नहीं है इसमें बोलते हो, अरे मैंने फेसबुक पर डाला था 375 मेरे को लाइक्स मिले और 75 कमेंट्स मिले, हाउ टेस्टी इट इज, हाउ यम्मी इट इज, हाउ नाइस इट इज, और तुम बोल रहे हो कि इसमें टेस्ट नहीं है, तुम्हारा ही नाटक है। तो हम दिखाना चाहते हैं लोगों को कि मैंने ये बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा हर कोई नोटिसेबल रहता है। लेकिन वो ऐसा काम कर रही थी जो नोबडी वॉज एबल टू नोटिस, किसी को पता नहीं था। लेकिन ए ब्लैक एंट इन ए ब्लैक रॉक इन ए डार्क नाइट, ए ब्लैक एंट इन ए ब्लैक रॉक इन डार्क नाइट, नो वन सीज बट कृष्णा सीज, है ना। एक काली चींटी काले पत्थर पे काली रात में, काली अमावस्या के दिन कोई नहीं देख सकता, लेकिन भगवान देखता है उसको। तो चैतन्य महाप्रभु ने नोटिस किया कि ये लड़की जो है ये सेवा कर रही है इतना, और चैतन्य महाप्रभु ने उसको कहा कि श्रीवास कौन है ये, तो श्रीवास ने कहा कि ये मेरी मेड सर्वेंट है, इसका नाम है दुखी। चैतन्य महाप्रभु का दुखी, ये तो कोई अच्छा नाम नहीं हुआ, बुलाओ तुम उसे। तो जैसे उसको बुलाया तो सब लोग बोल रहे थे अरे चैतन्य महाप्रभु बुला रहे तुमको, चैतन्य महाप्रभु बुला रहे आओ आओ ऐसा करके। तो वह आके उसको चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे तुम्हारा ये नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, आज से तुम्हारा नाम होगा सुखी। और जैसे सुखी बोला वो एकदम भाव आवेश में आ गई और चिल्लाने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, उधर नीचे गिरी और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा चैंटिंग करते करते श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको कृष्ण प्रेम दे दिया। तो जो कोई भी श्रीवास से जुड़ा हुआ था चैतन्य महाप्रभु उसको प्रेम देते थे। और एक बार श्रीवास को ऐसा मन में डर लग रहा था कि अरे यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे हमारे होता है ना प्रभु जी, ज्यादा तेज मृदंग मत बजाओ, करताल ज्यादा मत, चिल्लाओ मत ज्यादा, ऐसा सब कुछ करके।
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम डरो मत श्रीवास, यू नो मैं हूँ और कुछ होगा, और तुमको मेरा पावर देखना है। तो वहाँ पे छोटी सी 4 साल की बच्ची थी जिसका नाम था नारायणी, ये श्रीवास के भाई की लड़की थी। तो उसने नारायणी को बुलाया चैतन्य महाप्रभु ने, और नारायणी को अपना महाप्रसाद चैतन्य महाप्रभु ने दिया और बोला नारायणी चैंट द नेम ऑफ कृष्णा से हरी हरी। तो जैसे ही नारायणी को बोला, नारायणी तो पूरा हाथ ऊपर करके 4 साल की छोटी सी बालिका बच्ची एकदम, और जोर जोर से वो कीर्तन करने लगी, और ऐसा अष्ट विकार भाव उसके शरीर में आने लगा कि जो एकदम परम योगी लोग जो होता है उनको मिलता है। और बहुत जोर जोर से वो कीर्तन करने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी, और उसके आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, और इतने सारे आंसू निकल रहे थे ऐसा लगता है कि जैसे टोरेंट्स ऑफ रेन इतना ज्यादा निकलने लगा, और पूरा का पूरा जो श्रीवास आंगन था वो पूरा आंसुओं से भर गया। और वो देख के सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि वो चैतन्य महाप्रभु का देखो क्या। तो चैतन्य महाप्रभु हर किसी को कृपा देते थे, चाहे वो श्रीवास ठाकुर से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम लोग ये न प्रकार किसी डिवोटी से जुड़ जावे तो हमारा भी उद्धार निश्चित है। तो इस प्रकार से जब श्रीवास आंगन में वो रोज नृत्य करते थे, तो श्रीवास ठाकुर के जो पड़ोसी थे, ये परंपरा वहीं से चली आ रही है, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे, और वो लोग बहुत श्रीवास के अगेंस्ट में बहुत कुछ कहते थे, और बहुत उसके बारे में खराब खराब कहते थे। कहते थे श्रीवास और ये 4 भाई जो है ना, काम तो करते नहीं है, रात को इनको भूख लगती है, कुछ खाने को मिलता नहीं है, तो जोर जोर से चिल्लाते हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसा ऐसा करते हैं। एक्चुअली कुछ उनको समझ में नहीं आता है, और ऐसा सब ना उनके बारे में गलत गलत चीज करते हैं, गलत का प्रचार करते हैं। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का ये एक बाय प्रोडक्ट है, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि उपहास, उपहास जो है वो हमको मिलने वाला ही है। तो साउथ इंडियन ब्राह्मण के उस एपिसोड के अंदर भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अशुद्ध पड़े ना लोक करे उपहासे, वो लोग उसका उपहास करते थे, और यहाँ पे बहुत उनका उपहास होता था, और बहुत कुछ इनके बारे में गलत बोलते थे। कोई उनके बाहर आके मांस मदिरा ऐसा सब छोड़ के चला जाता था, और इतना सब कुछ उसको श्रीवास को तकलीफ देते थे, और कभी कभी श्रीवास को बहुत डर भी लगता था कि क्या हो रहा है। तो एक रात को जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन कर रहे थे, तो कीर्तन करते 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 दूसरे कमरे से रोने की आवाज़ आई, और श्रीवास ने वो आवाज़ सुनी कि क्या हो रहा है, क्यों रो रहे हैं। वो अंदर गए तो पता चला कि श्रीवास का जो पुत्र था वो उस समय मर गया, और मालिनी देवी और जो दूसरी औरतें थी वो छाती ठोक ठोक के जोर जोर से क्रंदन कर रही थी, रो रही थी। और श्रीवास वहाँ पर जाकर उसको पता चला, तो श्रीवास को झटका लगा, दुख हुआ कि उसका बेटा चला गया है। लेकिन उसने अपनी पत्नी और बाकी रिलेटिव को कहा कि देखो श्री चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन चल रहा है, और मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए इस कीर्तन के अंदर, तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग रोना धोना बंद करो, क्योंकि ये जो बच्चा मरा है ये तो बहुत अच्छे टाइम पे मरा है, जहाँ जब कीर्तन वगैरह चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने एक्सटेसी में डांस कर रहे हैं, और तुम्हारे रोने की आवाज़ से अगर वो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आ गए और कीर्तन बंद हो गया, तो मैं तुमको माफ़ नहीं करूँगा, तुम कृपया रोना बंद करो। तो इतना बोला, लेकिन फिर भी लेडीज़ लोग को अभी कोई मर गया कैसे रोना बंद कर देवे, लोग रो ही रही थी। तो श्रीवास ने कहा कि देखो अगर तुमको रोना है और तुम अगर चुप नहीं रही, तो मैं भाग के बाहर जाऊंगा और अपने गले में पत्थर बांध के गंगा में डूब जाऊंगा, तब तुम रोते रहना बैठ के। और इस तरह से सब लेडीज़ लोग को चुप कराया, और फिर वो कीर्तन के अंदर आए और बहुत हंसते हुए वो कीर्तन करने लगे। और जब कीर्तन करते करते बहुत समय बीत गया, तो चैतन्य महाप्रभु फिर कहने लगे कि अरे आज इस कीर्तन में मुझे आनंद नहीं आ रहा है, क्या श्रीवास तुम्हारे घर में कोई दुर्घटना घटी है? तो श्रीवास आगे आके बोले, दुर्घटना भगवान, जहाँ पर आप कीर्तन करते हो वहाँ पे कोई दुर्घटना कैसे हो सकती है? एंड हाउ कम ए कैलामिटी स्ट्राइक वेयर यू डू योर कीर्तन, आपका ऐसा करके वो कहने लगे। लेकिन दूसरे भक्तों को पता चल गया था, तो अद्वैत आचार्य आगे आके कहने लगे कि हे महाप्रभु, श्रीवास का पुत्र मर गया है। तो जैसे ही उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु को बहुत झटका लगा, और वो आके कहा कि लेकिन मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने? नहीं, पहले वो कहा कि कितना टाइम हो गया? तो उन्होंने कहा 7.5 घंटे हो गए, 7.5 घंटे पहले वो चल बसा। तो कहा मुझे बताया क्यों नहीं? तो कहा कि श्रीवास जो है आपके कीर्तन को रोकना नहीं चाहता था, इसके लिए आपको नहीं बताया। तो जब उन्होंने ये कहा, तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक दूसरे को देखने लगे, और उन्होंने कहने लगे कि हे श्रीवास, तुम्हारा एक पुत्र चले गया, लेकिन हम दो आपके पुत्र के समान है, और आप मेरे पिता है और मैं आपके पुत्र हूँ, आपका पुत्र कहा मुझे वहाँ लेके चलो। और श्रीवास उनको वहाँ पे लेके गए, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस पुत्र को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे पुत्र उठो। तो वो उठा, ये मतलब सेम एपिसोड है जैसा चित्रकूट चित्रकेतु महाराज के साथ हुआ था,
तो वो लड़का उठा और उन्होंने कहा कि तुम अपने माता पिता को छोड़ के क्यों चले गए। तो उन्होंने कहा कि कौन से माता पिता, मेरे तो हजारों हजारों लाखों लाखों जन्म हो चुके हैं और कितने मेरे माता पिता आए, कितने मेरे माता पिता गए और कई अनेक अनेक जीवों की जगह ले लेके मैं पैदा हुआ और मैं मरा, लेकिन आज जो मेरी मृत्यु है ये मेरी सबसे बेस्ट मृत्यु है और अभी मैं सीधा गोलोक धाम चला जाऊंगा क्योंकि मैंने कीर्तन सुना है। और इस प्रकार से जब उस बच्चे ने ये सब बातें कही तो शिवास के जो रिलेटिव थे जो सब रो रहे थे वो सब सारे के सारे लोग शांत हो गए। और फिर शिवास की ओर मुड़ के श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे शिवास, कैसे मेरे लिए पॉसिबल होगा कि तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त को मैं छोड़ के चला जाऊं। तो ये पहला एपिसोड था जहां पर चैतन्य महाप्रभु ने एक इंडिकेशन दिया कि वो संन्यास धारण करेंगे और कोई इस बात को समझ नहीं सका और चैतन्य महाप्रभु फिर वहां से आगे चले गए। और जब ऐसा कीर्तन होता था तो कई बार श्री चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि अद्वैत आचार्य उनसे बड़े थे, श्रीवास ठाकुर उनसे बड़े थे, वो उनके डस्ट ले लेते थे लेकिन इनको कभी अपना डस्ट लेने नहीं देते थे। और कभी कभी जब इनको कोई बोलता था कि आप भगवान स्वयं हो तो चैतन्य महाप्रभु अपना कान बंद कर देते, विष्णु 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 ऐसा बोलते हैं, किसी को भी अपने आप को भगवान घोषित करने के लिए नहीं बोलते। तो सबसे पहला एक क्वालिफिकेशन भगवान का ये भी होना चाहिए कि वो अपने आप को भगवान डिक्लेयर नहीं करता, नहीं तो इस दुनिया में देखो इतने सारे बाबा लोग अपने बैठे जो अपने आप को भगवान डिक्लेयर करके बैठे हैं, है कि नहीं। तो अद्वैत आचार्य हमेशा सोचते थे कि कैसे मुझे चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो एक बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हर बार ये मेरी डस्ट लेते मैं भी इनकी डस्ट लूंगा। और जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते 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 जब धरती पर धड़ाम से गिर पड़े और रोल होने, ऐसा बताते कि वो जो कीर्तन था, कभी कभी जब चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करके जोर से डांस करते थे तो धरती हिलने लगती थी। और ये सब कोई काव्यात्मक कथा नहीं है, ये हकीकत में ऐसा होता था चैतन्य महाप्रभु। या कभी कभी ऐसा होता था कि जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते करते आपस में टकराते थे तो ऐसी गर्जना होती थी जैसे कि बिजली गिर गई हो, और इतना घमासान करते थे, सुनहरा पर्वत जैसे धुलाते लौटाए, ऐसा वर्णन आता कि इतना जबरदस्त उनका कीर्तन चलता था। और चैतन्य महाप्रभु एक बार जब गिर गए धरती पे और अपने कॉन्शियसनेस में नहीं थे तो अद्वैत आचार्य ने जाके और उनका डस्ट ले लिया और डस्ट लेके एकदम नाचने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु को फिर पता चल गया, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नरा, जो उनका नाम था, कहे अद्वैत तुम चोर हो, तुमने चोरी से मेरा डस्ट ले लिया। और ऐसा करके उनको बहुत डांटा और कहा कि यू आर द डिस्ट्रॉयर, तुम शिवजी के अवतार हो और सब कुछ डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हो और तुम मुझे भी डिस्ट्रॉय कर दोगे और मेरी भक्ति भी डिस्ट्रॉय कर दोगे, मेरे से डस्ट लेके मेरे को पाप का भागी बना दोगे, इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें उचित सजा दूंगा। और वो जाके जबरदस्ती फिर उसका डस्ट ले लेते और कहते कि आज मैंने चोर से चोरी कर ली है, तुम चोर हो, तुमने मेरी डस्ट लिया था, अब मैं तुम्हारा डस्ट लेता हूं। और ऐसा करके और अद्वैत आचार्य को उन्होंने परास्त कर दिया। तो अद्वैत आचार्य हमेशा ऐसा सोचते थे कि कब वो दिन आएगा जब मैं चैतन्य महाप्रभु की सही में कृपा प्राप्त कर पाऊंगा, बहुत कोशिश कर रहा हूं लेकिन मुझे कृपा मिल नहीं रही है। तो एक बार उन्होंने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आता है अगर कोई गलत फिलोसॉफी का प्रचार करता है, तो उन्होंने क्या किया, अद्वैत फिलोसॉफी का प्रचार करना शुरू किया और जाके गलत सलत बोलने लगे। और जब वो गलत बोल रहे थे कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, भगवान जो है वो निराकार है, भगवान जो है वो शून्य है और भगवान ये है वो, ऐसा सब करके जब उल्टा पुल्टा सा फिलोसॉफी बोलने लगे और चैतन्य महाप्रभु ने जब उस फिलोसॉफी को सुना तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया और बहुत जोर से भाग के उन्होंने एक लकड़ी लिया और जाके अद्वैत आचार्य को पकड़ के और उनको गिरा दिया और उनकी दाढ़ी खींच के और नीचे गिरा के और लकड़ी से उनको मारने लगे। बोले ये क्या बोल रहे हो अद्वैत आचार्य, तुम गलत फिलोसॉफी बोल रहे हो, और ऐसा ऐसा करके। और जब मारा तब अद्वैत आचार्य खड़े होकर नाचने लगे और कहने लगे कि कभी भी केवल मालिक अपने नौकर को मार सकता है, नौकर अपने मालिक को नहीं मारता है, और क्योंकि आपने आज मुझे मारा है मैंने समझ लिया कि यू आर माय मास्टर एंड आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका दास हूँ और आप मेरे मालिक हो, और बस आपने मुझे कृपा दे दी। तो इस प्रकार से शिवास आंगन के अंदर बहुत सारी लीलाएं होती थी। और एक बार शिवास आंगन में जब कीर्तन हो रहा था और जब भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु को बोलते थे कि अरे आप तो वही कृष्ण हो, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमक, आप वही कृष्ण हो, तो चैतन्य महाप्रभु अपने कानों को बंद करके विष्णु 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 करके जाते थे। और एक बार जब ऐसा हो रहा था तो शिवास उनके सामने गए और सीधा ऐसा हाथ किया, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इसका क्या मतलब है शिवास, ये हाथ का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि इस हाथ से मैं सूर्य को छुपा रहा हूं,
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे हाथ से तुम सूर्य को कैसे छुपा सकते हो? तो उन्होंने कहा यही बात तो मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसे हाथ लगा के और ऐसे कान बंद करके क्या तुम बोलोगे कि तुम विष्णु नहीं हो? हम सब लोग जानते हो जैसे एक हाथ से सूर्य को नहीं छुपा सकते और सूर्य नहीं छुप सकता, वैसे ही आप हमसे नहीं छुप सकते, हम सब आपको पहचानते हैं। और जैसे कुत्ता जो होता है वो अपने मालिक को पहचान लेता है, चाहे मालिक जब घर में सूट वूट कोट वोट पहन के आवे या धोती कुर्ता पहन के आवे या पैंट शर्ट पहन के आवे या शॉर्ट्स पहन के आवे या नंगा आवे, कुत्ता जो होगा उसको पहचान लेगा, है क्या नहीं? तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि भगवान आप किसी भी रूप में आओ, चाहे आप कृष्ण हो लेकिन गौर रूप में आओ। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई मैं तो कृष्ण नहीं हूँ, क्योंकि कृष्ण तो काले थे, मैं तो काला नहीं हूँ। तो अल्लाह तुम काले हो, पीले हो, लाल हो, सफेद हो, जो कुछ भी हो, हम लोग तुमको पहचानते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं कृष्ण बन के जाऊंगा, लोग पहचानेंगे। तो होली के दिन आए, होली खेलते खेलते और काले कलर पे पीला कलर लगा के आ गए इधर, इसलिए होली के दिन उनका अवतार हुआ, होली के दिन चैतन्य महाप्रभु पैदा हुए। तो बोले तुम कोई भी रंग लेके आ जाओ, हम तुमको पहचान लेंगे। जिस प्रकार से कुत्ता जो होता है वो अपने मालिक को अच्छी तरह से पहचानता है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको अच्छी तरह से पहचानते हैं कि आप जो है वो भगवान स्वयं हो। और इस प्रकार से कई बार वहाँ पे लीला होती थी। और एक बार श्रीवास आंगन के अंदर चांद काजी आके उनके मृदंग को तोड़ दिया, इसलिए श्रीवास आंगन का एक दूसरा नाम है खोल भंग दंग, जिसको बोलते हैं कि जहाँ पर खोल मतलब जो मृदंग है उसको वहाँ पर तोड़ा गया। और फिर चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने पूरी की पूरी अपनी सेना लेके मसाल लेके वहाँ पर गए और चांद काजी को अपना नरसिंह का रूप दिखाया उन्होंने, और उनसे ये प्रॉमिस लिया कि तुम किसी भी भक्त को रोकोगे नहीं कीर्तन करने के लिए और भक्ति करने के लिए। तो ऐसे ही हर बार ये लीला होती थी। श्रीवास आंगन में बहुत विशेष लीला हुई जो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको बहुत संक्षेप में उसको थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लीला श्रीवास आंगन में हुई कि एक बार 21 घंटे तक श्री चैतन्य महाप्रभु बैठ के उन्होंने ये लीला की। तो हर बार जब भी कोई चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में एड्रेस करता था वो अपना कान बंद कर लेते थे और वहां से चले जाते थे। लेकिन एक दिन की बात है, ऐसा कभी कभी उन्होंने बीच में किया था कि जैसे एक बार श्रीवास जो था वो नरसिंह भगवान की पूजा कर रहा था और उनका दरवाजा बंद था, तो निमाई वहां पर आए और दरवाजा ठोकने लगे। उन्होंने दरवाजा खोला नहीं तो दरवाजा तोड़ दिया और कहा कि श्रीवास देखो तुम जिसकी पूजा करते हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। तो श्रीवास का शौक लगा, बोले क्या बोल रहे? बोले वही मैं नरसिंह हूँ, नरसिंह देव यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे साथ। और उन्होंने गदा ली और हुंकार करते हुए एकदम चिल्लाते हुए रोड पे भागे, और जब वो भागे तो पूरे लोग डर गए। तो वापस आके गदा फेंक दिया, बोला सब लोग डर रहे हैं मेरे से, अभी मेरे को नरसिंह नहीं बनना। तो ऐसा बहुत बार वो लीला करते थे। लेकिन इस दिन क्या किया उन्होंने कि वो कीर्तन करते करते, सारे लोग कीर्तन कर रहे थे और बहुत अच्छा कीर्तन चल रहा था, कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, कृष्णा गोविंदा गोविंदा गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल। तो ऐसा जब कीर्तन चल रहा था तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि श्रीवास ठाकुर का जो मंदिर था उस मंदिर के एकदम गर्भगृह में चले गए, और जहाँ पर विष्णु की मूर्ति थी, विष्णु थे, उन्होंने वो मूर्ति अपने गोद में ले ली और खुद विष्णु के आसन पर जाकर बैठ गए। और सब लोग ये दृश्य देख रहे थे कि क्या हो रहा है। और तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो आज तुम्हारा जो भी इच्छा था वो सब पूरा होगा, और यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ सबसे लीला करता हूँ। और सबको बुला बुला कर और वो कहने लगे, और नित्यानंद को कहा कि हे नित्यानंद मेरा एकदम अच्छी तरह से अभिषेक करो। और वो अभिषेक करने लगे, हजारों मटके लाए दूध के और पानी के और लाके उनको अभिषेक करने लगे। और अभिषेक करने के बाद में उन्होंने कहा कि अभी मेरे को भोग चढ़ाओ। तो इतना सारा जो भी पूरा गाँव में था वो सारा का सारा भोग लाए, तो उसमें इमरती कचोरी संदेश वड़ा चमचम रसगुल्ला सब कुछ लाके, केले इतने सारे, नारियल वगैरह सब लाके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को दिया, और सारा का सारा उन्होंने पूरा खा लिया, पूरे खत्म कर दिया। ऐसा बताते हैं कि घड़े भर भर के संदेश और रसगुल्ले आए थे, वो सब चैतन्य महाप्रभु ने खा लिए। और जैसे अन्नकूट की लीला भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में की थी, वैसे ही लीला यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु करने लगे, और सब कुछ उन्होंने खत्म किया। और वो खत्म करने के बाद चिल्लाने लगे, अणियोर अणियोर अणियोर, मतलब गिव मी मोर, गिव मी मोर, गिव मी मोर। और फिर श्रीवास ठाकुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान सब कुछ आपका ही है, सब कुछ आपको ही बिलोंग करता है,
और हमारे पास तो अभी कुछ भी आपको देने के लिए नहीं है, आप बस केवल शांत हो जाइए। और इस प्रकार से फिर उन्होंने कहा कि मेरी आरती करो, और फिर उनकी आरती हुई कि जय जय गौरा चांदेर आरती के शोभा। जब ऐसी आरती चल रही थी और उस आरती के अंदर फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीवास क्या तुमको याद है कि एक बार तुम कुलिया ग्राम में जब जा रहे थे तो वहां पर देवानंद पंडित बैठकर भागवत कथा कर रहे थे, और श्रीवास ठाकुर जो थे वो पूरा दिन भर भागवत पढ़ते थे और भागवत से उनको बहुत प्रेम था, बहुत रस था। और क्योंकि हमारी भागवत क्लास है, हम लोग इस एपिसोड के बारे में चर्चा करेंगे कि इतना वो भागवत के प्रति आकर्षित थे कि बार बार भागवत वो पढ़ते थे और बार बार उसको सुनते थे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि कहीं जा रहे थे और कथा हो रही है, देवानंद पंडित नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान था, वो बैठ के कथा कर रहा था, और जैसे ही वो कथा भगवान के बारे में जब बता रहा था और भगवान कृष्ण के बारे में, उनके वृंदावन लीलाओं के बारे में बता रहा था, और जैसे ही उनके कानों में वो पड़ा तो श्रीवास ठाकुर का हृदय में पूरा कंपन हो गया। और उसने सोचा कि अरे सुखदेव गोस्वामी के ऐसे अमृतमय शब्द जो है उसको मुझे सुनना चाहिए, भागवत कथा सुननी चाहिए। और वो वहां पर जाके बैठ गए और उस श्लोका से बहुत अट्रैक्ट हो गए, जैसे सुखदेव गोस्वामी महाराज खुद बहुत अट्रैक्ट हुए थे जब वो जंगल में जा रहे थे और किसी ने श्लोक पढ़े थे, अहो बकियम स्तन काल कूटम जिघाम सयापा यद साध्वी लेभे ग्रहे धात्र चितं ततोया कम्वा दयालुं शरणं व्रजेमा। तो जैसे श्रीवास ने सब श्लोक सुने, श्रीवास का एकदम भाव विभोर हो गया, उसका पूरा हृदय जो है वो प्रेम से आप्लावित हो गया और वो वहां पर जाकर भागवत कथा में बैठ गए। और जैसे जैसे देवानंद पंडित भागवत बोल रहे थे वैसे वैसे उनका हृदय जो था भगवान कृष्ण के प्रति एकदम आप्लावित हो रहा था, और वो हे कृष्ण हे मथुरा हे वृंदावन हे गोपी ऐसा करके एकदम जोर जोर से उनको भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही थी और ऐसा हो रहा था। लेकिन ये सब सुन के जो बाकी के लोग बैठे थे भागवत कथा में उनको डिस्टर्ब हो रहा था, तो सब लोग बार बार उसको बोल रहे थे कि ए पागल चिल्ला मत भागवत कथा सुनने थे, ऐसा करके बार बार उसको बोल रहे थे। और जैसे ही वो चुप होते थे लेकिन फिर वो कुछ सुनते थे, वैसे सुनने मात्र से उनके हृदय में एकदम प्रेम हो जाता है। तो ऐसे बताते हैं हमारे आचार्य कि जब हमारे हृदय के अंदर सच्चा प्रेम होता है तो वो ऑटोमेटिक बाहर आता है, हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब हम पब्लिक के सामने जावे तो अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी क्या होता है, विजातीय लोक देखी प्रभु कहले संवरण, तो वो दूसरों को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु अपने एक्सटेसी को रोक देते थे। लेकिन ये तो सारे भक्त लोग बैठे थे और वहां पर जैसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज शायद ये एग्जांपल देते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कि व्हेन ए लेडी इज प्रेग्नेंट, जब एक लेडी जो प्रेग्नेंट है तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम समथिंग इज गोइंग टू बी बॉर्न, यू नो ए चाइल्ड इज गोइंग टू कम आउट, वो नेचुरली है। तो जब उसको बच्चा होने वाला रहता है तो लेबर पेन होता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है तो उसका चिल्लाना जायज है, यस, क्योंकि उसको लेबर पेन हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति जिसके हृदय के अंदर भगवान की भक्ति नहीं है और वो केवल चिल्लावे तो क्या बाहर आएगा, कुछ नहीं आएगा। ए समथिंग इज गोइंग टू बी बॉर्न, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं है और खाली चिल्लाने का एक्टिंग करे तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जो श्रीवास थे उनके मन में सच में भगवान के प्रति प्रेम था, और ऐसा जब वो चिल्ला रहे थे तो दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा था, आखिरकार उन्होंने क्या किया, जो वहां पर ऑडियंस बैठे थे उन्होंने हाथ और पैर पकड़े श्रीवास के और उसको बाहर फेंक दिया। और जब बाहर फेंका उसको तो देवानंद पंडित ने कुछ नहीं बोला। और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि मास्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट। जैसे वैकुंठ में जब चार कुमार लोग गए थे और जय विजय ने उनको रोका और जब उन्होंने श्राप दिया जय विजय को तो भगवान खुद बाहर आ गए नारायण और कहे कि अरे 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 इनको माफ कर दो, इनका जो पाप है वो मैं अपने सर पे लेता हूं और अगर आपको चाहिए तो आप मेरे हाथ काट लो, ऐसा बोलते हैं नारायण चार कुमारों को। तो उसने कुछ नहीं कहा, उसके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने उसको फेंक दिया और बेचारा वो वहां से उठ के और श्रीवास अपने घर चला गया, सोचा वहां पे तो मुझे नहीं मिला। उन्होंने भागवत खोला और भागवत में फिर अपना पढ़ने लगे, तत्तेनुकंपम सुषमिक्ष्माना भुंजान एवात्मकृतम विपाकम यद्वाक् वपुभिर् विदधान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। और जब वो पढ़ रहे थे तो ऐसा उनको आवेश आया और ऐसा वो प्रेम में विवल हो गए, और इतना प्रेम उन्होंने कभी भी अनुभव नहीं किया था कि भागवत का पढ़ने पे इतना उनको प्रेम की अनुभूति हो रही हो। समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी अनुभूति मुझे क्यों हो रही है, और वो वहां पे एकदम धराशे होकर गिर गए। और ये बात आज चैतन्य महाप्रभु ने उसको याद दिलाई, कहा श्रीवास तुमको याद है
तुम एक बार कुलीन ग्राम से जा रहे थे और वो रास्कल देवानंद पंडित वहां पर बैठ के कथा कर रहा था और तुमको वहां से बाहर फेंक दिया गया उठा के, और फिर तुम घर जाके तुम भागवत पढ़ने लगे, और जब तुमने वो भागवत किया पढ़ाई कर रहे थे उस समय मैंने उस भागवत के श्लोक में अवतार लिया, तुम्हारे हृदय में अवतार लिया और तुम्हारे हृदय को कृष्ण प्रेम से आवृत कर दिया ताकि आपको भागवत के प्रति बहुत आकर्षण हो। तो जब ऐसा श्रीवास ने सुना तो एकदम उनको बड़ा खुशी हुआ और भगवान के पैरों में गिर गए। बोले अरे यस चैतन्य महाप्रभु, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि कभी भी मुझे इतनी एक्सटेसी नहीं आई थी, लेकिन उस दिन मुझे बहुत एक्सटेसी आई और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ऐसा करके और फिर चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ाई करने लगे और कहने लगे कि आप ही वो कृष्ण हो, आप ही वो नंद नंदन हो, आप ही वो गोपी जन वल्लभ हो जो बांसुरी बजा रहे हैं और वृंदावन के अंदर सबको प्रेम दे रहे हैं, और आज वो सब प्रेम देने के लिए आप हमारे पास आए हो। इस प्रकार से बहुत सारी स्तुतियां करते हैं श्रीवास। और चैतन्य महाप्रभु फिर दूसरे भक्तों की ओर देखते हैं और वो दूसरों को याद दिलाते हैं, गंगादास पंडित तुमको याद है एक बार मुसलमानों ने तुम्हारे पे आक्रमण किया था और तुम वहां से जा रहे थे और कोई नाव नहीं दिख रही थी और रात को घनी रात को एक नाविक आया तुमको बचाने के लिए, वो नाविक मैं था। और फिर वो हरिदास की तरफ देखने लगे, बोले हरिदास तुमको याद है तुमको 22 बाजारों में मारा गया था और 22 बाजार में मार मार के तुमको अधमरा कर रहे थे ये जल्लाद लोग, और तब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा, लेकिन क्योंकि तुम इतना प्रेम से प्रार्थना कर रहे थे और इतनी करुणा भरी थी तुम्हारे में इन लोगों को बचाने के लिए जल्लादों को कि मेरा सुदर्शन काम नहीं कर पाया, तब मैंने आव देखा ना ताव, मैंने क्या किया अपने आप को तुम्हारे ऊपर डाल दिया और तुम्हारे शरीर को मैंने अपने शरीर से कवर कर लिया, और ये देखो आज भी मेरे इस छाते इस पीठ के ऊपर उस जल्लादों के निशान है। और वो हरिदास को दिखाते हैं और फिर वो अपने अद्वैत आचार्य के और जाते और उनके उनको बताते हैं, और इस प्रकार से हर एक डिवोटी को जा जाके और श्री चैतन्य महाप्रभु अपना प्रेम देते हैं और इस प्रकार से श्रीवास आंगन के अंदर वो अपनी लीला करते हैं। एक और एपिसोड के देवानंद पंडित वहां पर कुछ नहीं बोलते हैं और जब चैतन्य महाप्रभु उनको मिलते हैं तो उनको बहुत खली खुटी सुनाते और बहुत डांटते हैं, और तब उसको पता चलता है कि अभी मेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो वो क्या करता है कि फिर भक्तों की सेवा करता है। तो वक्रेश्वर पंडित एक चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे जो 72 आवर्स तक डांस करते हैं चैतन्य महाप्रभु के कीर्तन में, और जब वो डांस करते हैं तो वक्रेश्वर पंडित को गिरने से बचाते हैं दामोदर देवानंद पंडित, तो जैसे ही वो गिरने जाते हैं वो उनको होल्ड कर लेते हैं, और वो जब ऐसा गोल गोल घूमते थे तो उनको बहुत जगह चाहिए थी, तो देवानंद पंडित एक लकड़ी लेके और पूरा ऐसा गोला बनाते थे। तो ऐसी सब सेवा देख के श्री चैतन्य महाप्रभु खुश होते हैं और फिर उसको कहते हैं कि जाओ श्रीवास से माफी मांगो, और जब श्रीवास से माफी मांगते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनको माफ कर देते हैं। और ऐसी बहुत सारी लीलाएं श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में की, महाप्रकाश लीला वहां पर जो श्री चैतन्य महाप्रभु की जो आरती थी फर्स्ट गौर आरती वो सब वहां पे हुई, और जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया और जगन्नाथपुरी में चले गए तो श्रीवास ने भी अपना पूरा का पूरा घर वहां से उठा लिया और वापस से श्रीहट्ट में चले गए और मायापुर उन्होंने छोड़ दिया और श्रीहट्ट में रहने लगे। और जब जगन्नाथपुरी से जब चैतन्य महाप्रभु ट्रैवल करने जाते थे तो एक बार वो श्रीहट्ट में भी गए और श्रीवास के घर में जाके और उनके साथ उन्होंने समय बिताया। तो इस प्रकार से श्रीवास आंगन जो है ये रासस्थली से अभिन्न है, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपियों के साथ में जो रासलीला की थी वही रासलीला कीर्तन के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास आंगन में की। और श्रीवास जो है वो नारद मुनि के अवतार है और उनके साथ में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में रह के उन्होंने बहुत अपने भक्ति का को आगे बढ़ाया। और एक कैसा एक भक्त होता है, किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए वो श्रीवास ठाकुर ने बताया। और ऐसी बहुत अनंत लीलाएं श्रीवास ठाकुर की और श्री चैतन्य महाप्रभु की कि जिसके अंदर उनको बार बार कई बार चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के पास में जाते थे और उसको कहते थे मुझे भागवत सुनाओ, जैसे गदाधर पंडित उनको भागवत सुनाते थे वैसे श्रीवास भी बैठ के उनको भागवत सुनाते थे। और कई बार भागवत की जो कथा है उसका आदान प्रदान श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास के साथ में करते थे और भागवत तत्व को समझने की कोशिश करते थे। तो भी क्योंकि हमारा समय पूरा हो गया है वी विल स्टॉप हियर, और अगर कोई किसी को प्रश्न है तो एकाध प्रश्न हम ले लेते हैं और नेक्स्ट टाइम पे ये जो 20 नंबर का श्लोक है इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जय श्रीवास ठाकुर की, जय श्री चैतन्य महाप्रभु की, जय श्रील प्रभुपाद की, जय श्रीवास ठाकुर आविर्भाव दिवस महा महोत्सव की, जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी इत्यादि?